Assalam-o-Alikum friends, आप देख रहे हैं Easy Learning. आज की हमारी वीडियो एक मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पर है जिनका नाम डॉक्टर अब्दुस सलाम है. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें. इससे क्या होगा कि हमारी हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी. तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुस सलाम. आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा डॉक्टर अब्दुस सलाम की कंट्रीब्यूशन के कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं. आए पढ़ते हैं क्या है उनके पॉइंट्स. He was born in Jhang. वो जंग में पैदा हुए और ये जो है ये पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है. He was awarded scholarship. इनको scholarship offer की गई for the higher studies in UK. UK के लिए इन्हें एक scholarship offer की गई इनकी education के हवाले से. He was awarded Nobel Prize in physics. इन्हें जो है वो physics में Nobel Prize में मिला और कब मिला? In 1979 में. He established international center for his theoretical physics. एट इटली, इन्होंने इटली में एक जो है वो सेंटर ओपन किया जहाँ पर डिफरेंट तरह के आज भी जो है वो डिफरेंट डेवलप कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आकर वहाँ पर अपना जो भी उनकी एक्सपेरिमेंट होता है वो वहाँ पर चेक करवाते हैं. आगे मैंने यही मेंशन किया, वेयर साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू आर्ग्यूमेंट देयर रिसर्च वर्क. ही वॉज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान एंड विल रिमेन इन द हार्ट ऑफ लर्निंग सर्कल. हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि ही डाइड एट नवंबर 1996 की 21 नवंबर को इनका इंतकाल हुआ. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक.